नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु गोंडोल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब सैटरडे के लिए मतलब कल आप लोग जानते हैं कि यूनियन बजट है और मार्केट खुला रहेगा, तो आप लोग ये कल के लिए भी यूज़ कर सकता है और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब नेक्स्ट रेगुलर ट्रेडिंग डे जो है मंडे परी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे और आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और मैंने बाई लेवल सेल लेवल अब निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी फॉर एन एस कैंडल स्टिक पैट मैंने देखा था, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे चार्ट का सिलसिला है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मार्केट में स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करने से बहुत ही आसान कर देगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, जो निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन किया हूँ, कल जो मैंने बताया था ये चार्ट का सेटअप, मेरा जो चार्ट का सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है ये नीचे जाएगा और इधर डार्क का कवर। एक आप लोग कल का वीडियो अभी से सुन सकता है कि इधर जो अप ट्रेंड में ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न था डार्क का कवर, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जाने का ही इंडिकेट करता है। तो वही हुआ है और आप लोग जानते हैं कि कल यूनियन बजट पेश किया जाएगा और ऑन द ईव ऑफ इन यूनियन बजट यू नो दैट मार्केट हाउ द बजट लाइकली टू बी द मार्केट हैज सोन सम ग्लिम्स ऑफ सोन सम ग्लिम्स दैट यू कैन कुड एक्सपेक्ट व्हाट बजट शुड बी likely some would be favorable for total economy or industry and some would be unfavorable, so that's why market will be fluctuate occasionally. But I think that market has shown the glimpse how the budget is going likely to be, that the market has gone down and it has shown and still Nifty bank Nifty it has first it has gone down first it has shown a positive note towards the last session, but it has ended with a negative note. So that's why you can also guess that what the budget can be. Then you should be cautious, trade cautiously yesterday, tomorrow, and you have to see the proper levels and book the profit occasionally, and you can also hedge the profit, hedge the your position. So market और भी नीचे जाने का ही indicate कर रहा है, तो इसके नीचे देखिए इसका जो support है ऑलरेडी 970 का जो ब्रेक कर चुका है, उसके बाद ये 921 में इसका सपोर्ट है, उसके बाद इसका 11873 में इसका सपोर्ट है और इसका 11870 में इसका सपोर्ट है। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करता है, हो सकता है मार्केट और भी, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। देखिए जो बजट का अगला दिन जो ऑन द ईव ऑफ द बजट मार्केट इतना गिर चुका है, तो लगता नहीं है कि बजट के बाद भी खास कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ऊपर जाने के लिए इसको देखिए 12132 के ऊपर जाना पड़ेगा, 12136 के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ये 12246 तक जा सकता है और 11277 में इसका रजिस्टर्स है। और निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी पहले शुरू किया था, लेकिन लास्ट सेशन में ये नेगेटिव सेशन अर्ली सेशन क्रॉस करने के बाद लास्ट में ये 200 पर नीचे जो इसका जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट 11500 का रेजिस्टेंस तो ये टच किया है, सॉरी सपोर्ट टच किया है, उसके बाद इसका 11300 में इसका 11300 के आसपास मतलब 320 के आसपास इसका सपोर्ट है, उसके बाद ये और भी नीचे जाएगा, तो इसका ये इस लेवल पे मतलब 11000-30000 के आसपास इसका सपोर्ट है, सॉरी मैंने 30500 बोला, 11500 नहीं 30500 के नीचे ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद 30300 उसके बाद 30000 के आसपास आने का कोशिश करेगा।
देखना पड़ेगा कल मार्केट कहाँ पर एंड होता है बजट का डिक्लेरेशन होने के बाद और ऑप्शन चेन का जो निफ्टी का जो 0.56 ऐसा कुछ है और इसका आप लोग नोट कर सकते हैं कि 0.24 0.50 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। अच्छा लास्ट सेशन में निफ्टी ऊपर गया भी था लेकिन इससे नीचे आके क्लोज दिया 960 के नीचे आके नीचे 960 के ऊपर नहीं 11,954 तक आ गया था। इसका लो आज यह था, इसका कितना लो गया था आज, इसका निफ्टी का लो हुआ था 11,945 और एंड हुआ है 11,962 में, इसका एंड हुआ है मतलब क्लोज हुआ है। तो देखना पड़ेगा इसका, तो लगता है ये कल भी नेगेटिव ही रहेगा मार्केट, लेकिन आप बजट में जो आप लोग का एक्सपीरियंस है तो कभी कभी अच्छा कुछ डिक्लेरेशन होगा तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंड होगा, मार्केट कुछ अप जाएगा, कुछ अनफेवरेबल रहेगा उसकी वजह से मार्केट नीचे आएगा, तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद देखना पड़ेगा बजट के कैसा होता है और बजट के बाद मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो लेकिन जो आप लोग जो लोग एक्सपीरियंसड है जानते हैं कि ऑन द ईव ऑफ एनी बिग इवेंट और इन द ईव ऑफ एनी बिग इवेंट मार्केट ऑलवेज शो द व्हाट द इवेंट इज गोइंग टू बी। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट द बजट विल नॉट बी वेरी इनकरेजेबल और एनी गुड न्यूज फॉर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री इज देयर एंड दैट्स वाई मार्केट आई थिंक आफ्टर बजट मार्केट विल गो डाउन स्टिल फर्दर। तो देखिए ऑप्शन चेन में इसका जो 12,100 में इसका रजिस्टर्स बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और शॉर्ट बिल्डअप बना है और इधर 11,900 में और 11,800 में इसका सपोर्ट बन चुका है और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और इधर ओपन इंटरेस्ट जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है इधर 549 और इधर 111 और इधर 962, मतलब शॉर्टिंग ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर ज़्यादा है, शॉर्टिंग का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट फेस ओपन इंटरेस्ट बना है कॉल शॉर्टिंग करने के लिए, मतलब कॉल राइटिंग के लिए फेस ओपन इंटरेस्ट पुट का हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो मार्केट नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। आई भी बहुत बढ़ चुका है, प्राइस गिरा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और आई भी बढ़ा है, तो मतलब नीचे जाने का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, आई भी बढ़ा है और प्राइस गिरा है, मतलब क्या होता है कि और भी फर्स्ट मार्केट नीचे जाने का कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। और बैंक निफ्टी मैंने कैलकुलेट किया इसका है 0.69, ए और बी नीचे आने का 50 के आसपास आएगा, लेकिन जो पीसीआर रेशियो जब 0.40 0.40 के आसपास आ जाएगा मार्केट जरूर कंसोलिडेट करेगा जरूर, लेकिन कंसोलिडेट करने के बाद कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड यही लगता है। अभी निफ्टी ऐसा चलेगा, मतलब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऐसा चलेगा कि कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेंड बीच में जो कॉन्सेशन जरूर आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये रेशियो जरूर एडजस्ट होता है, पीसीआर रेशियो वगैरह और भी कुछ जो रेशियो एडजस्ट होता ही है, ये पॉसिबल नहीं होता है कि 0.40 या 0.30 के आसपास आ जाएगा, तो हो सकता है 0.50 के नीचे थोड़ा सा आएगा 40 के आसपास, लेकिन इससे कॉन्सेशन होकर 1 के ऊपर जाएगा तो तब तक के लिए मार्केट थोड़ा सा अप होता है 12,100 या 12,200 के आसपास जा सकता है और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा 21,500 के आसपास आ सकता है, लेकिन फिर से ये डाउन ट्रेंड में ये आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बजट का जो अगला दिन ये मार्केट का जो पिक्चर देख रहा है तो यही लगता है। और जो 31 बैंक निफ्टी में भी जाने का प्रॉब्लम ज़्यादा है और रात में मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी आप लोग को दिखा दूंगा, तो वो भी